हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास एट्थ का ना मैथमेटिक्स का 2023-24 का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बना दिए हैं, आप वो भी देख लेना, ठीक है। तो आपको इसमें मैं बताऊँगा कि मिड टर्म में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। मिड टर्म के जो आपके एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आपके फरवरी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए मिड टर्म में ना आपका चैप्टर टू आ रहा है, जो चैप्टर इसमें लिखे हैं वही आपको करने हैं, जो नहीं लिखे वो आपको नहीं करने। जैसे चैप्टर वन नहीं लिखा ना इसमें, तो आपको अपनी बुक में से चैप्टर वन जो है वो नहीं करना, जो चैप्टर लिखे हैं केवल आप वही करेंगे जैसे चैप्टर टू लिखा है। फिर आपको सर ये छठी क्लास सातवीं और आठवीं को लिखा है, देखिए जो छठी लिखा है ना तो आपको छठी की चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे जमा घटा गुणा भाग, तो आपको ये सारी वर्कशीट भी करनी है छठी क्लास के। आप आठवीं में भले ही हो लेकिन आपके एग्ज़ाम में छठी सातवीं का भी आएगा, लेकिन क्या क्या आएगा उसका सीधा सॉल्यूशन यही है कि आप ये सारी वर्कशीट करेंगे। सुन लिया मेरी बात, अभी से कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा। आठवीं क्लास के इस चैप्टर से रिलेटेड ये वर्कशीट भी करनी है। फिर आपके मन में आएगा सर हमें क्या बुक करनी है, नहीं करनी, देखिए बुक भी करनी है आपको, चैप्टर टू लिखा है उसका पूरा बुक में से चैप्टर करना ही करना है और ये वर्कशीट सारी करनी है। सुन रहे हो मेरी बात, चैप्टर थ्री में आपको पूरा करना है और वर्कशीट जो है वो छठी क्लास की है वाली, सातवीं क्लास की है वाली और आठवीं क्लास में ये सारे टॉपिक जो आपकी बुक में दे रखे ना सारे कवर करेंगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और ये जो वर्कशीट लिखी है ना आठवीं क्लास की वो भी करनी है, चैप्टर तो करना ही करना है और वर्कशीट भी करनी है। फिर आपको चैप्टर फाइव करना डियर, और चैप्टर फाइव करने के लिए आपको छठी क्लास का, सातवीं क्लास का और आठवीं क्लास की ये वर्कशीट करनी है। वर्कशीट जरूर करना क्योंकि एग्ज़ाम जब आपका आएगा तो छठी सातवीं का भी इसमें से आएगा। फिर चैप्टर सिक्स पर आ जाओ, छठी क्लास सातवीं क्लास ये करें कि पूरे चैप्टर फाइव की तरह ही है, तो अगर आप आठवीं क्लास का ही चैप्टर करेंगे तब भी आपको चल जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप छठी सातवीं की ये चैप्टर फाइव पढ़ना चाहेंगे तो और अच्छी बात है, अगर आप पढ़ लेंगे रिवाइज हो जाएगा ना, आपने कर तो रखा ही होगा। आठवीं क्लास के लिए वर्कशीट करेंगे 29, 30, 31, 32, 33, 34, तो आप के चैप्टर जो है कौन कौन से आ रहे हैं मिड टर्म में, चैप्टर टू आ रहा है, चैप्टर थ्री आ रहा है, चैप्टर फाइव आ रहा है और चैप्टर सिक्स आ रहा है, केवल चार चैप्टर आ रहे हैं देख लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन वर्कशीट आपको छठी सातवीं की भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और आठवीं की भी करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपके यहाँ बता रखा है कि 15 सितंबर तक बच्चे का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि अक्टूबर में शुरू में पेपर है। फिर जब पेपर हो जाएंगे तो मिड टर्म के एग्ज़ाम जब हो जाएंगे तो उसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर होंगे। सुन रहे मेरी बात, पता मैं बाकी बचे हुए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके फाइनल टर्म में मिड टर्म के सारे चैप्टर आएंगे, उसके बाद जो मिड टर्म के बाद ही आप चैप्टर करोगे ना 7, 8, 9, 11, 12, 13, ये जब चैप्टर आप करोगे तो ये तो करने करने मिड टर्म के भी चैप्टर आएंगे। फाइनल टर्म में पूरा सिलेबस आएगा, पूरा का मतलब ये कि जो इसमें दिखा रखा है जो डीओई ने इशू किया ये सारा करना है आपको, ठीक है, और कुछ आपको नहीं करना। समझ में आ गई मेरी पूरी बात, ठीक है। तो देखो ये फाइनल टर्म के जो मतलब ये जो बाकी बचे हो ना इनमें ये जो लिखा है ना वर्कशीट जो सातवीं क्लास की लिखी है ये सारी करनी है आपको। आठवीं क्लास में तो मतलब ये कह रहे हैं इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा और इस चैप्टर में जो जो टॉपिक वगैरह दे रखे हैं वो सारे करने हैं। ये देखो ये जो टॉपिक लिखे होते हैं ना ये सारे आप देखना कि ये सब टॉपिक आपको आते नहीं आते, चैप्टर 9, चैप्टर 11, ठीक है, चैप्टर 11 और चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स दोनों करने टॉपिक इसके अंदर होते हैं, जब आप पढ़ोगे ना पता लग जाएगा, चैप्टर 12, चैप्टर 13। अच्छा एक बात सुनो, जैसे नई बुक होते कोई चैप्टर हटा रखा हो तो चैप्टर का नाम पढ़ के ही चैप्टर को देखना, ये मत सोचना कि चैप्टर 12 से 12वां निकाल लिया, देखना कि जब आप बुक खोलोगे चैप्टर 12 तो क्या उसमें फैक्टराइजेशन टॉपिक लिखा है, चैप्टर का नाम लिखा है, चैप्टर का नाम निकालने के बाद ही उस चैप्टर को खोलना। तो ये 31 जनवरी तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। आपको मेंटल मैथ की बुक भी करनी है प्रैक्टिस के लिए। फिर आपके फरवरी में पेपर होंगे और फरवरी के एनुअल एग्ज़ाम ये लिखा हुआ है और एनुअल एग्ज़ाम में आपको क्या क्या आएगा मैंने आपको बता दिया, मिड टर्म का और ये जो बाकी बचे चैप्टर सारे आएंगे आपको पूरा करना पड़ेगा। मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना दी है, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस ऐड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।